फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कीमे को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए ये काली मिर्च है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, ये लौंग है, सब्ज इलायची, दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा, बड़ी इलायची 3 अदद और ये 3 करी लीव्स हैं। इन सबको हम लोग कीमे में डाल के तो कीमे को कर लेंगे बॉयल। ये देखिए कीमा हमारा पानी में डाल दिया मैंने, इसके अंदर ये सारा सामान हम डाल देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। इसको हम करेंगे बॉयल जब तक कि ये सारा पानी इसमें खुश्क ना हो जाए, और फिर इसमें थोड़ा सा घी डाल के या ऑयल डाल के, जैसे भी आप डालना चाहें, इसको हम लोग भून लेंगे अच्छे तरीके से, रेडी कर लेंगे। ये हमारा सबसे पहला स्टेप, ये हम इसे कीमे को पकने के लिए रख देते हैं। ये देखें कीमा हम लोगों ने बॉयल कर लिया, इसका पानी इसके अंदर ही खुश्क कर दिया था। अब हम लोग यहाँ पे मटर बॉयल कर रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा बॉयल करने के बाद इसमें हम बाकी की ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं ये ऐड कर देंगे। इन वेजिटेबल्स को ऐड करके इसी पानी में बॉयल कर लेंगे और फिर हम मिलते हैं आपको सारी वेजिटेबल्स को बॉयल करने के बाद। फ्रेंड्स, अब हम इसको अदरक का तड़का लगा देंगे। अब इसमें नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। इसे ऐड करके थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और फिर अपने सारी चीजें ऐड कर देंगे जो हम लोगों ने बॉयल की हैं, कीमा और वेजिटेबल सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे। अब वन बाय वन इसके अंदर सारा कुछ ऐड करेंगे। सबसे पहले कीमा ऐड करेंगे इसमें, कीमा को थोड़ा सा भून के फिर हम बाकी की वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। कीमा हमारा भून गया, अब हम इसके अंदर की अपनी सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये देखिए हमने सारी बॉईल कर ली हुई हैं, इनको हम अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स क्योंकि हमारी ऑलरेडी डन है, हम लोगों ने बॉयल की हुई हैं, अगर आप लोग इसी में डायरेक्टली ऐड करके फ्राई करेंगे तो फिर आपको टाइम लगेगा, लेकिन अभी इसको टाइम नहीं लगेगा। अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सिरका, अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, आँच हम लोग तेज कर देंगे। चिली सॉस ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हर चीज़ आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करनी है। अगर कोई तेज मिर्च खाता है तो वो ज़्यादा ब्लैक पेपर ऐड कर सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने चावलों को बॉईल कर लिया, अब हम ये चावल इन इस मसाले में ऐड करेंगे और फिर इसे दम लगाएंगे। चावल ऐड करके फिर हम दोबारा आपसे मिलते हैं।
फ्रेंड्स ये देखें दम लग चुका है माशाल्लाह, रेडी है। अब हम लोग इन्हें पोर आउट करेंगे डिश में, तो डिश में डालने के बाद आपको चेक करवाते हैं फाइनल लुक। फ्रेंड्स ये है हमारे चावलों की फाइनल लुक, ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने बॉइल्ड एग ऊपर लगाए हैं। आप लोग चाहें तो एग्स को ऑमलेट बना के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो बॉइल करके ऊपर लगा सकते हैं। हम लोगों ने बॉइल करके लगाए हैं, इट्स आवर फाइनल लुक। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है आप लोगों को। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ ट्यून्ड रहिए, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।